मेरा स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई आज तीसरा दिन हो गया, ठीक है। तीन दिन पहले तो आपके iOS से हट गए थे अपने जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, और दो दिन पहले एंड्रॉयड ऐप से हट गए हैं, ठीक है। तो आज तीसरा अपडेट है, कोई भी अपडेट अभी मार्केट से आई नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि भैया बाइनेंस ऐप क्या कर रहा है या गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो काफी लोग मेरे से एक सवाल पूछे हैं कि भैया हम क्या करें, अपने फंड का क्या करें कि बाइनेंस से निकल जाएं। पहली बात तो यह है कि आप अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो उसके लिए आप जो हार्डवेयर वॉलेट आता ना वो आप ले लो, ठीक है। या आपकी अगर होल्डिंग ऐसी है जो कि आप शॉर्ट टाइम में ही रखना चाहते हो, तो मेरे भाई आप उनको जो वॉलेट है ना, सॉफ्ट वॉलेट हो गए, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, उसके ऊपर ट्रांसफर कर लो, या आप डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंज है उनके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। कहते हैं ना कि भैया एक कैरेट में अपने पूरे अंडे नहीं रखने हैं, अगर कैरेट गिर गई तो सब कुछ फूट जाएगा, ठीक है। तो समझ जाओ इस बात को, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके रख लो। बात रही कि इंडिया में क्या होगा, देखो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो फॉरेन के डेटा है वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है भाई, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और इंडियन गवर्नमेंट भी मान जाए और फॉरेन के एक्सचेंज दोबारा से चलने लग जाए इंडिया के अंदर, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक यूआरएल बैन नहीं हुए। जिस बार यूआरएल बैन हो जाएंगे तो वो दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अभी तक सिर्फ ऐप वगैरह हटाए गए हैं कि ताकि नए यूजर ना आए, लेकिन एग्जिस्टिंग यूजर क्या करेंगे उनका अभी कुछ भी नहीं पता। और वो एग्जिस्टिंग यूजर कब हटेंगे, जब यूआरएल बैन होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यूआरएल बैन नहीं हो रहा, इसका मतलब तो बैन नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करता है बाइनेंस या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, बढ़िया बात, अच्छी बात है। अब एक सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बात का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो है कि इंडिया के अंदर अगर क्रिप्टो टैक्स कम हो जाए मेरे भाई, तो आप ये मान लो कि एक तीर दो निशाने लग जाएंगे। कैसे, देखो अगर क्रिप्टो टैक्स कम हो गया, आप ये बताओ कि आप या मैं इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज पे हम क्यों गए। दो रीजन है भाई। पहला रीजन ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उनके ऊपर ना ही विड्रॉल की दिक्कत है, ना ही डिपॉजिट की दिक्कत है। बहुत सारी नई नई क्रिप्टो करेंसीज उन पर आती रहती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, लिक्विडिटी अच्छी है, और बेसिकली वो प्लेटफॉर्म बढ़िया है। इंडिया के प्लेटफॉर्म थोड़े खराब हैं। खराब क्यों है, क्योंकि यार विड्रॉल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, विड्रॉल हालांकि इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं इनके लिए, एक्सचेंजेस के लिए, ताकि ये विड्रॉल ना दे पाए, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर विड्रॉल हो जाए, अच्छी इनकी सर्विस हो जाए, प्लेटफॉर्म बढ़िया हो जाए, तो बाइनेंस और कोई भी इंडिया का एक्सचेंज है वो एक बराबर हो जाएंगे। दूसरे मेरे भाई हम क्यों गए, क्योंकि हमें इंडिया में टैक्स नहीं भरना था। मान लो अगर अब इंडिया के अंदर टैक्स ही कम हो गया तो भाई हमारी जो भाग दौड़ है वो खत्म। क्यों, क्योंकि फिर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज एक बराबर है, हमें सारी सर्विस भी अच्छी मिलेंगी, प्लस हमें टैक्स भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अब क्रिप्टो टैक्स अगर कम करवाना है मेरे भाई, तो अभी टाइम है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जो भी अभी अपना एक्स है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी बात रखने का। तो जितने मेरे भाई हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, सारे के सारे हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स इस्तेमाल करें ट्विटर के ऊपर, जितना हो सके ना उतना बढ़ दो मेरे भाई। मैं दिन में तीन तीन चार चार ट्वीट कर रहा हूँ, रिड्यूस हैशटैग क्रिप्टो टैक्स, ठीक है। तो आपको भी यही चीज करनी है, क्योंकि अगर हमारा एक टैक्स खत्म हो गया ना, ये कम हो गया, खत्म नहीं चाहिए भाई, हमें कम चाहिए। अगर ये कम हो गया ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो क्रिप्टो टैक्स है मेरे भाई वो खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। TDS हट जाए और अपना जो है लॉस सेटलमेंट होने लग जाए एक्सचेंज के ऊपर, मतलब टैक्स के अंदर, ठीक है, प्लस फाइल करते हुए, प्लस हमारा जो टैक्स है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो मेरे भाई वो बढ़िया बात हो जाएगी, फिर हमें भाग दौड़ की कोई जरूरत है नहीं। तो यही मुझे सॉल्यूशन नजर आ रहा है। कोई भी बाइनेंस की तरफ से अपडेट मिलती है तो फॉर श्योर मैं आपको बताऊंगा। अभी कोई भी अपडेट नहीं मिली, इसलिए मैं आपको कुछ खास तो बता नहीं रहा इस वीडियो में, बस इतना ही बता रहा हूँ कि मेरे भाई हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का इस्तेमाल आपको करना है, दबा के करना है, ठीक है। दबा के अभी करोगे ना मेरे भाई, तो गवर्नमेंट हमारी बात कहीं ना कहीं सुनेगी, और सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।